जिम नहीं गए हम क्योंकि कल लास्ट डे थोड़ा सा हैवी वर्कआउट हो गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन मेरा हो रहा था बॉडी। और ये देख लो इधर है थोड़ा सा पानी वानी का सीन। तो स्वागत है आप लोगों का नए मोड ऑफ व्लॉगिंग वीडियो में और विथ दिस बाइक। और अभी स्वागत ही हुआ पटाखे से, लो एक बार और तोपों की सलामी मिलता है मेरे यहाँ, मतलब मेरे चैनल पे। देखो मस्त बादल वगैरह भी लगा हुआ है, कोई ठीक नहीं कब बारिश हो जाए। इसका इस वेदर में कोई कभी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि बारिश में कुछ भी हो सकता है। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई एम मैं गेनी, यू आर वाचिंग अ न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह मैं आया हुआ था इधर पापा को ड्रॉप करने के लिए, तो फिर अभी बज रहा है सुबह का 9। ठीक है, आज जिम नहीं गए हम क्योंकि कल लास्ट डे थोड़ा सा हैवी वर्कआउट हो गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन मेरा हो रहा था बॉडी। बट लेकिन अभी फ़िलहाल पेन नहीं है बॉडी में, बट जिस टाइप का हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें एटलीस्ट दो दिन संडे को हटा के 2 दिन रेस्ट चाहिए रहता है। बट लेकिन हम वो रेस्ट भी नहीं लेते हैं, तो उस कारण से आज सोचे कि एक रेस्ट इधर खींच लेने का, क्योंकि लास्ट इस बार जो सैटरडे लास्ट वीक सैटरडे निकला है उसमें हम सैटरडे को नहीं गए थे, बाद बाकी सारा दिन गए थे। और ये देख लो इधर है थोड़ा सा पानी वानी का सीन, तो कितना क्या पानी है ये दिख ही रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बारिश वगैरह का ना उतना कुछ अच्छा ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली तक अच्छा नहीं है, तो यहाँ क्या ही अच्छा होगा। दिल्ली में रिसेंटली कुछ दिन पहले बारिश हुआ, उसमें तो फिर एक तरह से समझो कि पूरा बहुत ज़्यादा ही, एयरपोर्ट में भी कुछ हादसा वगैरह हो गया, ये सारे चीज़ हो रहा था उधर तो। और दरभंगा तो फिर भी थोड़ा बहुत दूर है, दिल्ली दरभंगा डी फॉर दिल्ली डी फॉर दरभंगा, बट शहर में सिमिलैरिटीज़ का कुछ आता पता नहीं। चलो ये सब तो बात होते रहेगा। और बात बाकी ये देखो मस्त एकदम बादल वगैरह तो अभी लगा ही हुआ है, लेकिन इसका कोई ठीक नहीं है कि कब बारिश हो जाए, तो इसीलिए हम ज़्यादा पर्स वॉलेट सब लेके घूम रहे, वॉलेट वगैरह लेके घूमते नहीं हैं अभी, क्योंकि वो भीग जाता है यार, भीग जाता तो सही नहीं रहता उसको भीगाना वहाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ऑन अ सेफ पर साइड अपन वो लेके नहीं घूमते। इस गाड़ी को भगाने में ये रहता ना कि तुरंत लेवल अप हो जाता है इसका तुरंत, लेकिन इसमें हल्का वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा लगता रहता ना, तो उसमें दिक्कत ये आता रहता कि तो लगता रहता कि बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, बट लेकिन उतना रहता नहीं, 60-70 पे भी लगता रहता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पुश कर रहे हैं इसको, बट लेकिन लो स्पीड पर सही है, मनोवर करने में भी मज़ा आता है। SL11 का लगता है इसमें बस बैजिंग वगैरह लगाया हुआ है क्योंकि अलॉय तो है नहीं, हाँ बैजिंग ही है बस SL11 का। डोर हैंडल्स भी वो प्लास्टिक टाइप्स होते हैं ना, वो टाइप के थे, ग्लॉस वाला नहीं, उस पर कलर चढ़ा हुआ था, तो उससे वही पता चलता है कि वो नहीं था, उसमें टॉप मॉडल नहीं था। हम सुबह में बताया था कि हम जिम वगैरह आज नहीं गए थे, और दिन में हल्का फुल्का बारिश वगैरह भी हुआ था, और अभी हो चुका है शाम ऑलमोस्ट अराउंड 6 बजने वाला है, तो अभी निकले और बारिश अभी नहीं हो रहा है फिलहाल, तो निकल चुके हैं घर से और चलते फटाफट। और सुबह में भी इंट्रो वगैरह नहीं हो पाया था, इस कारण से ही अभी वीडियो वगैरह बना ली, क्योंकि हम निकल चुके थे घर से, अब हम वीडियो वगैरह बनाए नहीं थे कि निकल रहे हैं इसीलिए, तो अभी निकल गया तो चलते हैं फटाफट आगे। और ये देखो मस्त आकाश आकाश स्काई, लेट्स गो। तो स्वागत है आप लोगों का नए मोड ऑफ व्लॉगिंग वीडियो में और विथ दिस बाइक। और अभी स्वागत ही हुआ पटाखे से, लो एक बार और तोपों की सलामी मिलता है मेरे यहाँ, मतलब मेरे चैनल पे। और तोपों की सलामी तोप से नहीं एग्जॉस्ट नोट से होता है। हाँ तो सुमन निकल चुका है, आगे आ गया होगा, और मतलब आ गया है, इनफैक्ट हम बात भी किया अभी कॉल पे। और यह जस्ट कितना यार दूरी है ही, मतलब 500 मीटर भी नहीं होगा अभी यहाँ से, तो दनार में वेट कर रहा है वो मेरा, तो उसको पिक करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे के लिए। अब देखते हैं किधर, जिधर भी मन करेगा उधर ही निकल जाएंगे आज, क्योंकि ऐसा ही वेदर बहुत सही चल रहा है इसलिए और थोड़ा फटाका हो जाए तो ले। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है किसी का, सुमन जी एक मिनट। लग रहा है जाम का सिलसिला रहेगा क्या, उस रोड में भी जाम था, दुनार वाले रोड में, अलरपट्टी दुनार
म्यूजियम गुमटी वाला रोड में, इधर भी थोड़ा मोड़ा जाम लग रहा है। एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है उससे, दिख रहा है इंफोटेनमेंट से एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है। यहाँ से निकलने से पहले नहा लिए हम, बाल पूरा भींगा हुआ है, पूरा चिपक गया है उससे हेलमेट के कुशन से, तो पूरा बाल ही मेरा खींच रहा है, लग रहा है लगता है गंजा करके ही मानेगा मेरा हेलमेट। क्या कर सकते हैं यार, हेलमेट पहनने वाले का वैसे भी बाल का धीरे धीरे हालत ख़राब हो जाता है। उधर को दिखा दिया पंचवन। तो अभी मौसम तो कुछ ज़्यादा ही अभी बढ़िया हो रखा है क्योंकि बारिश हुआ था, इस कारण से अभी देखो मस्त बादल वगैरह भी लगा हुआ है, कोई ठीक नहीं कब बारिश हो जाए इसका, इस वेदर में कोई कभी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि बारिश में कुछ भी हो सकता है और धूप भी कभी भी आ सकता है, बादल हटा धूप आ जाता है, ऐसा वाला सीन रहता। तो यही चल रहा है, अभी मौसम ठंडा है तो सही फील हो रहा है, गर्मी पसीना से दूर। चले आगे बढ़ते हैं अभी फटाफट। और बारिश वगैरह का अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब बारिश अभी नहीं हुआ है बिल्कुल भी नहीं जब से हम निकले हैं, मे बी रात में हो जाए, अगर हो जाए तो हो जाए, बट लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है जो कि सही भी है, हम लोग नहीं भींगे आज तो, बढ़िया बात है ये। और आज चलते हैं अब धीरे धीरे फिर वही रेगुलर कंटेंट में तब्दील हो रहा है क्योंकि डेली वर्कआउट का भी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगते रहता फील होते रहता है, इस कारण से ही हम नहीं वर्कआउट वाला वीडियो वगैरह बना रहे हैं अभी फ़िलहाल तो दो दिन से, और आज तो गए ही नहीं थे, कल है लेकिन लेग का वर्कआउट, तो देखते हैं कल अगर मन किया तो बनाया जाएगा वीडियो। चम चम कर रहा है पूरा, इसमें इसका भी स्विफ्ट चलाए थे, कहीं अभी कार वगैरह मिले ना तो रिव्यू वगैरह के लिए तो वो फिर सही रहेगा, उसी सबको बनाने में वीडियो फ़ायदा है, व्यूज़ वगैरह भी अच्छा खासा आ जाता है उस पर और फिर ठीक रहता है, व्यूज़ आता है तो कॉन्फिडेंस आता है तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में। काटे देगा पूरा ब्रिजा वाला, पूरा एकदम डिवाइडर पे चढ़ाने के चक्कर में लग रहा। चले भाई बढ़ते हैं घर और करते हैं कल वाला वीडियो एडिट। चलो।